अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा विज व्लॉग। और ये है मोहम्मद अरहम, और जो के फ्रिज के ऊपर लाइनें लगा रहे हैं, वो भी पेन से। ओ माय गॉड, इसने तो पूरा डीप फ्रीजर ख़राब कर दिया है। इसने पेन से बिल्कुल यहाँ पे पता नहीं क्या लिखने की कोशिश की है। तो अभी मेरे बताने पर ही नोनीपू को पता चला है कि अरहम ने ये कारनामा किया है, और नोनीपू का रिएक्शन क्या था। नोनी, आप कुछ बोलना चाहेंगे मोहम्मद अरहम ने जो किया है? मोहम्मद अरहम बहुत ज्यादा खराब होकर जा रहा है, और इसकी जिम्मेदार इसकी अम्मी ही है। या अल्लाह, देखा ना गाइज, आपने नोनीपू ने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया। उसके अब्बू भी आ रहे हैं बहुत मज़े से, और अंदर आपको मैं एक न्यूज़ देने वाली हूँ, और वो है बहुत ही अच्छी न्यूज़। और वो न्यूज़ ये है कि मेरे रूम का फाइनली स्टार्ट हो गया है कलर, और इंशाल्लाह जाने कब तक होगा। अवेश ने मुझे इशारा किया है कि 2 दिन तक कलर चलेगा, क्योंकि अवेश कुछ खा रहे हैं। और जो अम्मी हैं वो पप्पा के साथ बैठी हैं मज़े के साथ, पप्पा इधर देख रहे हैं मुझे, और अम्मी ने भुजे भी दे दिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम अगेन गाइस, और अभी जो है नोनी और अम्मी वाले जा रहे हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के घर, और मुझे लेकर नहीं जा रहे। और ये मैं सबको शिकायत लगा रही हूँ कि लोग मुझे नहीं लेकर जा रहे हैं। तो नोनीपू, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आप लोग मुझे नहीं लेकर जा रहे हैं? मैं आपको बोला था चलने का, लेकिन आप खुद मना कर रही हो कि मुझे नहीं जाना। हाँ तो गाइस, भाभी से काम कराएगा ना। हाँ, ये लोग मुझे घर पे छोड़कर जा रहे हैं ताकि मैं काम करूं, और मम्मी भी आज जालिम बनी है, मुझे नहीं लेकर जा रही। नहीं, तुम्हें लेकर जा रहे हैं, तुम जाना नहीं चाह रही, आज तुम्हारा मूड नहीं है, इससे घर पूरा बिखरा हुआ है ना। हाँ जी गाइस, तो अम्मी और नोनी ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं बाहर जाऊं आज, क्योंकि मैं 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बाहर जा रही थी। तो अभी मेरे सर में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है। अब अम्मी वाले जाएंगे तो मैं खाना बनाऊंगी, और फिर मैं अभी थोड़ी देर में अपने लिए चाय बनाऊंगी ताकि मेरा सर दर्द कम हो। और ये मेरी बेटी एमन सो रही है, और अरहम जो है वो मेरी गोद में बैठा हुआ है अपना। ये देखें, दुपट्टा अरहम ने गिरा है, और ये पूरा घर ख़राब करेगा। इसको भी मैं अम्मी के साथ ही भेजूंगी ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स रह सकूं। जी गाइस, तो अम्मी वाले जा चुके हैं, और मैं बना रही हूँ हरे मसाले में गोश्त। और सबसे पहले मैंने प्याज को फ्राई किया है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट फ्राई करेंगे इसको। देन इसके बाद हम गोश्त धोकर और वो डाल देंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्ची, और आपको ज़्यादा लग रही है पर इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हरे मसाले में सिर्फ यही होता है, और धनिया और सोया होती है। देन हम इसमें हल्दी डाल के और ये सब चीज़ गोश्त को इसमें भून कर और फिर ढंक कर रख देंगे जब तक गोश्त नरम नहीं हो जाता। तो जी गाइस, तो अम्मी वाले जा चुके हैं, और मैं बना रही हूँ हरे मसाले का गोश्त। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है प्याज ऑयल में, और इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा ब्राउन करने से इसका कलर अच्छा नहीं आएगा इस सालन का। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त और कटी हुई हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी। देन हम मैं इसको भूनूंगी अच्छे से, और जब ये भून जाएगा तो इसमें आधा या 1 गिलास पानी डालकर, क्योंकि हमारे पास मटन है तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलेगा, तो मैं इसमें पानी ऐड करके 1 से 2 गिलास देन मैं इसको ढक कर रख दूँगी, और फिर इसके बाद जो मैं ऐड करूँगी मैं आपको बाद में बताऊँगी। जी गाइस, तो गोश्त आधा गल चुका है, अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं टमाटर, हरी धनिया और कड़ी पत्ता। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, देन हम जब तक टमाटर गल नहीं जाता इसको हम पकाएंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए आलू, अगर आप डालना चाहें, मुझे तो आलू बहुत पसंद है सालन में, तो हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू के साथ हम कटी हुई सोया धोकर बिल्कुल साफ और काट कर रखी ये ऐड करेंगे। देन हम इसको भूनेंगे, और आलू गलने तक इसको भूनते रहेंगे। देन हमारा सालन तैयार। गाइस, तो मेरा सालन हो गया है रेडी, और घर पे आई है मेरी नंद, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। तो अक्सा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ, आप इतनी हंस क्यों रही हैं? अक्सा तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्योंकि मैं जब सोमी को देखती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है, आज जब वो अपना मुंह बनाती है हम लोगों के आने के बाद, अपनी बेडशीट सही करती है, बेजार होती है। गाइस, तो जैसे आपको पता है नोनी बहुत सफाई पसंद है, और नोनी को बिखरा हुआ बेड और बेडशीट पे कचरा बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइटें बंद हो गई और नोनी ने लाइट्स भी बंद कर दी हैं, और अब नोनी अक्सा को गुस्से भरी नजरों से देख रही है, और अभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश भी कर रही है। सामान फैल जाता है।
हाँ अभी और कचरा भी हो जाता है तो हम नोनी जो है कचरे समेट रही है। नोनी कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी हुई है खाली और ये और हम अपनी मस्ती में लगा हुआ और ये नोनी फू पूरी बेडशीट सही कर रही है और लाइट्स ऑफ कर रही है। और चले अक्सा के साथ हम लोग खाते हैं खाना। सही अक्सा, बहुत भूख लग रही है, अपनी बाबी के हाथ का खाना। हाँ जी जी गाइस, तो हमने खाना खा लिया है और अक्सा ने भी खाना खाया। तो अक्सा कैसा लगा खाना? बहुत जबरदस्त बना हुआ था, बाबी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा मुझे। और अम्मी आपने खाना खाया? भी बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया और माशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा। बगैर पूछे बगैर मेरी रेसिपी के अपनी तरफ से बनाया, जबरदस्त था। बहुत शुक्रिया मम्मी। तो जी गाइस आपने भी रेसिपी देखी, ट्राई कीजिएगा। इसके साथ अब दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।